साथ जो ठाकुर वोट बैंक है, जो राजपूत वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नाजमिन देखिए कि जब वो आरजेडी के साथ थे तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन को राजपूत वोट बैंक मिलता था, लेकिन अब जिस तरीके से हिना शहाब के पक्ष में दोबारा वो राजपूत वोट बैंक लौटा है, कहीं ना कहीं हिना शहाब के पक्ष वो कह सकते हैं सियासी रुतबा है कि वो सिवान की लोकसभा सीट पर जिस तरीके से शहाबुद्दीन का एक वर्चस्व था उसको कायम कर सकती है। और निश्चित तौर पर इस बार के अगर समीकरण को समझे तो हिना शहाब का जो माहौल है वो उनके पक्ष। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार की सिवान लोकसभा सीट जिस पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, ये सीट जहां निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं आरजेडी और भाजपा को टक्कर देते हुए नजर आ रही हैं, या कहें कि निर्दलीय अब इतने ताकतवर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव लड़ते हुए जीत का दावा भी कर रहे हैं। जहां सिवान की चर्चा हम करेंगे, उससे पहले अगर हम पूर्णिया की चर्चा कर लें तो पूर्णिया में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के नाते यहाँ पर उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन पूर्णिया की मांग करते करते वो निर्दलीय मैदान में उतर गए क्योंकि आरजेडी ने पूर्णिया सीट पप्पू यादव को नहीं दी, जिसके बाद आरजेडी को ही चुनौतियां पप्पू यादव देते हुए नजर आए। आरजेडी की बीमा भारती के खिलाफ ही निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, और ऐसे में आपको ये बता दें कि पप्पू यादव अब अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब निर्दलीय चुनावी मैदान में पूर्णिया के बाद सिवान की बात करें तो हिना शहाब यहां पर उतरी हैं। हिना शहाब जो आरजेडी का हिस्सा थी, लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद, अपने पति के निधन के बाद उन्होंने आरजेडी का दामन भी छोड़ दिया, क्योंकि हिना शहाब का ये कहना था कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनको वो अहमियत दी ही नहीं, उनको साइड ही किया गया, क्योंकि दो बार वो चुनाव हार गई थी, जिसके बाद आरजेडी कहीं ना कहीं हिना शहाब को पार्टी से हटाना ही चाहती थी। इसलिए हिना शहाब ने खुद फैसला लिया, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी और अब आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं एनडीए की तरफ से विजय लक्ष्मी को उतारा गया है। अब हिना शहाब के सामने जो मुकाबला होता हुआ नजर आएगा, क्या हिना शहाब की जीत यहां पर देखने को मिल सकती है? पप्पू यादव जो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आरजेडी की तरफ से भी समर्थन होता हुआ नजर आएगा, या कोई और दल हिना शहाब को समर्थन देता हुआ दिखाई दे सकता है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, क्या लगता है, हिना शहाब निर्दलीय चुनावी मैदान में है, जीत का दावा कर रही हैं और पप्पू यादव ने ये कहा है कि वो हिना शहाब को मरते दम तक सहयोग देंगे, वो ये भी कहते हैं कि जरूर चुनाव प्रचार करने के लिए सिवान पहुंचेंगे, पप्पू यादव का समर्थन करना क्या हिना शहाब के लिए बड़ी बात होगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर पूरे सिवान के समीकरण को समझे तो कहीं ना कहीं हिना शाह पहले आरजेडी के टिकट को ठुकराती हैं, उसके बाद जो है निर्दलीय नामांकन दाखिल करती हैं, उसके बाद से तमाम तरह की जो चीज़ें हैं या यूं कहें कि माहौल जो है वो कहीं ना कहीं हिना शाह के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM ने भी साफ तौर पर ऐलान किया है कि हिना शाह को वो हर संभव प्रयास जो है हर संभव मदद देने का प्रयास किया जाएगा, जिससे हिना शाह की जीत में जो है कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभा सके। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने अभी हाल ही में ऐलान किया कि हिना शहाब को समर्थन देने का, उसके बाद से पप्पू यादव पहले ही कर चुके हैं। तो ये तमाम जो समीकरण को अगर समझे तो चंद्रशेखर आजाद के समर्थन से कहीं ना कहीं दलित जो वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ेगा, और पप्पू यादव जिस तरीके से अभी देश की राजनीति में चर्चा में आए कहीं ना कहीं उनके नाम का फायदा भी इनको मिल सकता है। हालांकि सिवान लोकसभा सीट पर अगर हम समझे तो वहां से उनके पति पूर्व नेता बाहुबली नेता शहाबुद्दीन वहां से चार बार सांसदी का जो चुनाव है वो जीत चुके हैं, और वहां पे उनका सियासी रसूख है वो काफी ज्यादा है, और यही वो बड़ी वजह है कि हिना शहाब साल 2019 के चुनाव में भी महज 1 लाख कुछ वोटों से हारी थी। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से उन्होंने आरजेडी से अपना रिश्ता तोड़ा है, अब उनके साथ जो ठाकुर वोट बैंक है, जो राजपूत वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नाजमिन देखिए कि जब वो आरजेडी के साथ थे तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन को राजपूत वोट बैंक मिलता था, लेकिन अब जिस तरीके से हिना शहाब के पक्ष में दोबारा वो राजपूत वोट बैंक लौटा है, कहीं ना कहीं हिना शहाब के पक्ष में माहौल बन रहा है, और निश्चित रूप से मुस्लिम वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ा है, दलित भी जुड़ रहा है।
तो जो सारे समीकरण को देखे, भले ही आरजेडी ने यहाँ से बड़े चेहरे को मौका दिया अवध बिहारी चौधरी को, जो कि पूर्व में विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जेडीयू ने मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम समझे तो सियासी जो रसूख है शहाबुद्दीन का, जो सिवान था, उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बार हिना शाह बाजी मारती हुई नजर आएंगी और जो सिवान सीट थी वो आरजेडी के खेमे से अब छिटकता हुआ दिखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जेडीयू पार्टी की जो प्रत्याशी है वो अपनी मौजूदगी सिवान में इतनी नहीं दिखा पा रही हैं, लेकिन हिना शाह को लेकर जो चर्चा की गई कि मुस्लिम समाज तो उन्हें समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम और बात करें रीति रिवाज की, हम बात करें अलग धर्म की, तो वो हिना शाह को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ दुर्गा की चुनरी उड़ाई जाती है, कई समर्थक यहाँ पर प्रसाद देते हुए नजर आते, तमाम तरीके से हिना शाह के समर्थन में है और उनका ये दावा है कि हिना शाह कहीं ना कहीं जीत की कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल है आरजेडी की तरफ से, आरजेडी का क्या हुआ? क्या अवध बिहारी चौधरी को उतार कर उन्होंने गलती कर दी? क्या अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, क्या जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हार के कगार पर पहुंच पाएंगे? क्योंकि एक तो उम्र दराज है, दूसरी तरफ यहां पर इतने सक्रिय नजर नहीं आते हैं। हिना शाह के मुकाबले में यहां पर चुनाव की रणनीति की बात करें तो आरजेडी की तरफ से इतना सहयोग भी नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आरजेडी अंदर खाने से हिना शाह को ही समर्थन कर रही है? यहाँ पर सिराज ये सवाल बन रहा है कि पप्पू यादव को लेकर ये कहा गया कि बीमा भारती को टिकट इसलिए दिया गया था ताकि पप्पू यादव चुनाव जीत सकें, ये रणनीति राजद की तरफ से लाई गई थी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, ये चर्चा थी कि अगर वो निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे तो दबदबा यहाँ पूर्णिया पर ज्यादा हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हिना शाह भी आरजेडी का हिस्सा है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अवध बिहारी को टिकट देना क्या ये दर्शाता है कि एनडीए का कोई भी प्रत्याशी ना जीत पाए, बेशक अपना प्रत्याशी हार जाए लेकिन निर्दलीय चुनाव जीत जाए, क्या ये आरजेडी की तरफ से देखा जा रहा है? जी देखिए, तमाम जो पहलू है ये कहने के एक रणनीति का हिस्सा है और अगर ये सारी बातें होती तो मुझे नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव जो हिना शाह से बात करते और उनको टिकट देने का ऑफर करते। हालांकि ये सब नाराजगी जब देखने को मिली, जब शुरू में ही जब नाम सारे सामने आ रहे थे आरजेडी की तरफ से, उस नाम में जो है उस लिस्ट में हिना शाह का नाम कट गया था और इसी बड़ी वजह से हिना शाह जो है वो आरजेडी खेमे से नाराज होती हुई नजर आई थी, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना थी जिस पार्टी को मेरे पति ने कह सकते हैं कि सींचा, जिस पार्टी के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, उस पार्टी ने आज उनको दरकिनार किया और तमाम तरह के इल्जामात है वो कहीं ना कहीं लगाती हुई नजर आई थी और हिना साहब की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई और इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने अपना सियासी जो रास्ता है वो अकेले तय करने का निर्णय लिया, आरजेडी के सहारे जो है उन्होंने आरजेडी का सहारा जो है वो छोड़ दिया और साफ तौर पर हिना साहब में वो कह सकते हैं सियासी रुतबा है कि वो सिवान की लोकसभा सीट पर जिस तरीके से शहाबुद्दीन का एक वर्चस्व था उसको कायम कर सकती है और निश्चित तौर पर इस बार के अगर समीकरण को समझे तो हिना शाह का जो माहौल है वो उनके पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अब सवाल जो बन रहे हैं, सवाल के जवाब में यही है कि हिना शाह के समर्थन में माहौल बनता हुआ सिवान में नजर आ रहा है। सिवान की बात करें 4 से 5 लाख तक मुस्लिम आबादी वहां पर पाई जाती है, पिछड़ा की बात करें 2 से 2.5, यादव की बात करें वो भी 2 से 2.5 के करीब यहाँ पर पाए जाते हैं, अच्छा खासा वोट बैंक हिना शाह हासिल कर सकती हैं। और विजय लक्ष्मी और अवध बिहारी चौधरी की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका जीतना नामुमकिन हो सकता है और आरजेडी की तरफ से समर्थन मिलेगा हिना शाह को अंदरूनी तरीके से, तो वाकई जो दावा पप्पू यादव कर रहे हैं, जो दावा पप्पू यादव के जरिए कई और यहां पर प्रत्याशी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिना शाह की जीत भी सुनिश्चित की जा सकती है। अभी समय बाकी है और हिना शाह तैयारियों में जुट चुकी है, अब देखना होगा कि सिवान में क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, किसकी होगी जीत सिवान पर, क्या हिना शाह बाजी मारती हुई नजर आएगी, क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे स्पिन 9 न्यूज़, धन्यवाद।